हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान आश्रम। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं सॉल्व। देखिए, इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है। तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टोटल अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखे हैं तो आई हाईली रिकमेंडेड यू दैट यू मस्ट वॉच क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8। सो उन क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n² का वैल्यू कितना होता है, फिर 1 + 2 + 3 n का वैल्यू कितना होता है, फिर 1³ + 2³ + 3³ · n³ का वैल्यू कितना होता है। तो सब मैंने आपको बताया है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, n(n+1)(2n+1)/6। कितना था, n(n+1)(2n+1)/6। तो मैंने इसको ना सम कर लिया, इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। नीचे में एन क्यू है तो एन क्यू को एजिट लिख दो, लिमिट रख के चेक किया तो ऊपर में भी इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी, द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, एक एन तो साफ साफ कैंसिल दिखे रहा है सबको कि यहाँ सर एक कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर बचेगा हमारे पास, तो बस उसको लिख लो। तो n+1 × 2n+1/6 एन स्क्वायर हमारा हो गया। आप क्या करोगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन स्क्वायर, है ना, हाईएस्ट पावर से करते हैं ना। तो नीचे का हाईएस्ट पावर कितना है, एन स्क्वायर, ऊपर का कितना है, एक एन इससे निकाल लोगे, एक एन इससे निकाल लोगे, तो दोनों में से निकल जाएगा। तो अगर जब डिवाइड किया एन स्क्वायर से, तो एक एन को आप इस ब्रैकेट में दे दो और एक एन को इस ब्रैकेट में दे दो, और नीचे तो एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देखो, ये बन जाएगा 1 + 1/n, ये बन जाएगा 2 + 1/n। अब लग तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही लिमिट लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो 1 × 2 ऊपर में आ गया 2, नीचे में कितना है 6। तो दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1/3। तो 1/3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू बच्चों।